two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. जैसे कि अभी खिचड़ी अभी उबल रहा है, इसमें हम लोग सब कुछ दे दिए हैं। इधर इसका तड़का लगना चालू हो चुका है। इसको प्याज हम लोग अच्छे से भूंज रहे हैं और ये खिचड़ी के लिए हम लोग अदरक लहसुन पेस्ट करके डाल दिए इसमें, तो इसको मिला लेते हैं अच्छे से। तो चिकन को धो लिए, धो के इसको अच्छे से रख के उसमें हल्दी नमक और यहाँ लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल देखिए पारो डाल दिया है। तो दही भी डालना है, देख लीजिए आप लोग, तो दही भी डाल देते हैं। तो इसको अच्छे से मिला के आधा घंटा रख देंगे। देख लीजिए दोस्तों, मेरा चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरा लाल लाल हो चुका है। हम लोग पूरा इसको बना लिए ड्राई और पूरा एकदम ड्राई खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है, पूरा एकदम ड्राई ड्राई हो चुका है। तो चलिए तो खाने बैठते हैं। मेरा बैगन फ्राई हो चुका है, तो इसको उठा लेते हैं पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45। तो आज का दिन का शुरुआत हो चुका है। तो कैसे हो आप लोग सब, आशा करते हो स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी ऋषिका को स्कूल देने जा रहे हैं हम लोग, तो वो रेडी हो चुकी है, उसकी मम्मी उसका कॉपी में साइन कर रही है, तो निकलते हैं उसको स्कूल देने जाते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, हम लोग घर आ गए हैं, ऋषिका भी घर आ गई है। अभी उसका ब्रेकफास्ट चल रहा है। ब्रेकफास्ट में क्या है आज? डालिया खा रही है लड़की, उसकी मम्मी अभी चाय पी रही है। मेरा तो कम्प्लीट हो चुका है, तो बस अभी थोड़ा सा काम है, वो काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। सुबह से देख ही पा रहे हो यहाँ पूरा वेदर पूरा पानी पानी हो चुका है, पानी गिर भी रहा है, आपको दिखाई मिलेगा, मिल गया ना? तो पानी भी गिर रहा है, तो आज मौसम पूरा ऐसा है, देख लीजिए पूरा बादल बादल हो चुका है, पूरा बादल है। तो आज पूरा एकदम मौसम पूरा ठंडा ठंडा किया हुआ है। तो आज खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी और चिकन लेके आएंगे। तो खिचड़ी और चिकन आज का आइटम है हम लोगों को बनाने का, तो आज बनाएंगे। तो चलिए खिचड़ी बनाते हैं। देख पा रहे हो हम निकल गए चिकन लेने, तो जाते हैं अभी, 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद चिकन मिलेगा। अरे यहाँ अभी भी पानी गिर रहा है, पूरा पानी वाला मौसम पूरा ठंडा ठंडा किया हुआ है। आज तो चिकन और खिचड़ी पूरा जम जाएगा दोस्तों। तो पहले निकल जाते हैं, चिकन लाते हैं, चिकन के दुकान चलते हैं पहले। आप लोग वेदर का मजा लीजिए और एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो। थोड़ा थोड़ा भीग रहा है, ज़्यादा नहीं भीग रहा है, लेकिन है पानी, ठंड ठंड लग रहा है, थोड़ा सा हवा भी चल रहा है, लेकिन पूरा वेदर पूरा मस्त हो चुका है आज। देख ही पा रहे हो रेनकोट पहन के भी आदमी निकल रहे हैं काम पर, हम तो रेनकोट भी नहीं पहन रहे। हमने आ चुके दोस्तों, तो चिकन लेंगे और निकलेंगे। तो पहले ले लेते हैं, तो उसके बाद सीधे आपसे मिलते हैं। चलिए हैं अब चलते हैं घर दोस्तों। तो खिचड़ी हम लोग का प्रोसेसिंग में हो ही चुका है, तो अभी बनना चालू भी हो चुका है, तो आप लोग देखिए। जैसे कि अभी खिचड़ी अभी उबल रहा है, इसमें हम लोग सब कुछ दे दिए हैं। इधर इसका तड़का लगना चालू हो चुका है, इसको प्याज हम लोग अच्छे से भूंज रहे हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट एक साथ ही हम लोग इसको रेडी कर लेंगे। उसमें हम लोग का चिकन भी हो जाएगा और ये खिचड़ी में भी चल जाएगा। और यहाँ चिकन का हम लोग प्याज काट के रख चुके हैं और इसके साथ हम लोग बैंगन भाजी भी बनाएंगे आज। तो बैंगन भाजी, चिकन और खिचड़ी आज का वेदर में मस्त लगेगा। तो चलिए देखिए कैसे बन रहा है। खिचड़ी के लिए हम लोग अदरक लहसुन पेस्ट करके डाल दिए इसमें, तो इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ये अच्छे से मसालों को हम लोग मिक्स करके पूरा भूंज लेते हैं, नहीं तो अदरक लहसुन का पेस्ट का स्मेल आ जाएगा। और यहाँ इतना सारा अभी रखे हैं, ये हम लोग का चिकन में काम में आ जाएगा।
तो पहले इसको अच्छे से भून लेते हैं दोस्तों। तो भूनने के बाद फिर इसको तड़का लगाएंगे। चलिए भून लेते हैं पहले दोस्तों। चिकन को धो लिए, धो के इसको अच्छे से रख के उसमें हल्दी, नमक और यहाँ लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सरसों का तेल देख ही पा रहे हो डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे और इसमें हल्का सा दही भी डालेंगे। तो क्या होता है, दही अंदर से जाता है ना तो खटासपन आता है, तो भी अच्छा लगता है। तो दही भी डाल रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। तो दही भी डाल देते हैं। तो इसको अच्छे से मिला के आधा घंटा रख देंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो ये अलग प्रोसेस में बना रहे हैं, तो ये भी देखते रहिए आप लोग तो कैसे बनाते हैं और क्या बन रहा है ये। तो चलिए तो हम लोग का तेल गर्म हो चुका है, देख ही पा रहे हो। तो इसमें पहले हम लोग बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि चिकन होने के बाद तो फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं पहले, उसके बाद चिकन का प्रोसेस कर लेंगे। ताकि पहले बैगन को उठा लेते हैं, चिकन के बाद फिर एक कढ़ाई करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि एक कढ़ाई में हो जाएगा। तो पहले ये कर लेते हैं, तो इसको फ्राई करते हैं। चलिए मेरा बैगन फ्राई हो चुका है, तो इसको उठा लेते हैं पहले। बहुत ही अच्छा फ्राई किया है, पहली बार कर रहे हैं ये भी। ये सब YouTube के बदौलत हो रहा है, हम अभी करते नहीं थे, लेकिन अभी YouTube के बदौलत मेरे को अभी करना पड़ रहा है। तो मेरी बीवी का भी काम हल्का हो जा रहा है, उसको घर का काम करना ही नहीं दे रहा। अच्छा। हम सोच रहे हैं कि नौकरानी की छोड़ दें, वो बर्तन उर्तन और पोछा वोछा भी हम मार लेंगे, तो आप लोगों की देखने को अच्छा रहेगा, मेरा व्यूज भी बढ़ेगा। तो देखते हैं, कभी सोचेंगे उसके बारे में। दोस्तों मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दे रहे हैं हल्का सा लाल होने के लिए तेल को, और दो तेज पत्ता दे दिए थोड़ा सा इसको पहले रेडी कर लेते हैं। आई लव यू। 1 2 3 4 तो इसको पहले थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तेल में, लग रहा है हो ही गया है। हाँ। तो इसमें प्याज डालने जा रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग प्याज 600 ग्राम प्याज हम लोग डाले हैं। हम लोग प्याज को लाल कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके बाद फिर ये थोड़ा सा मिर्चा भी डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल भी हो जाएगा और मिर्चा भी, ये मिर्चा बहुत तीखा है, आज ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये छोटा छोटा मिर्चा डाल देते हैं। ये बड़ा मिर्चा दो ही डालेंगे, क्योंकि कौन सा मिर्चा कहाँ कितना तीखा हो जा रहा है हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, और पूरा मिर्चा एकदम मतलब बवाल है, आग उबल रहा है हम लोग। तो पहले इसको अच्छे से लाल होने देते हैं दोस्तों। हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर का होने लग गया है। तो क्या बोले थे आज कि चिकन थोड़ा सा अलग से बनाएंगे, तो इसको हम लोग मैरिनेट करके रख दिए थे। तो दही वही आप लोग देखे ही होंगे, ये एक घंटा हो चुका है, एक घंटा। तो इसको पहले आज अच्छे से प्याज के साथ भूनेंगे, पूरा अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। और लेग पीस देखिए, एक दो ये तीन, एक चल गया, चार पाँच, पूरा एकदम फ्रेश हम लोगों को चिकन मिला है। आज लेग पीस थोड़ा छोटा कर दिया, इसको छोटा छोटा रखा है, नहीं तो क्या होता है बहुत जगह ले लेता है, तो इसके कारण जगह लेने का भी क्या हम लोग घुमा नहीं पाते हैं। तो बड़ा जगह रहता है तो उसमें होता है, लेकिन ये सब घर में छोटा सा सामान रहता है तो कर नहीं पाते, तो आज छोटा छोटा पीस किए दोस्तों। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग डाल देते हैं इसमें, अभी हम अकेले ही कर रहे हैं, क्योंकि ऋषिका को खाने लेके गई है उसकी मम्मी, तो कैमरा हम ही कर रहे हैं, खाना हम ही बना रहे हैं।
तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब थोड़ा सा मसाला इस सब में जो जो लगेगा वो सब डालेंगे, फिर अच्छे से भूनेंगे इसको, क्योंकि चिकन पानी छोड़ दिया है, देख ही पा रहे हो आप, हम कोई पानी नहीं डाले थे, चिकन पानी खुद से छोड़ दिया है, ठीक है। तो अच्छे से इसको मसाला वसाला डाल के फिर भूनते हैं। मसाला भी डाल दिए पूरा, देख पा रहे हो आप लोग, हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिए, लाल मिर्च पाउडर और जीरा धोने का जो है मिक्स उसको डाल दिए। अभी अच्छे से मिला लेते हैं और टोमेटो भी हम लोग दे दिए इसमें। अब अच्छे से इसको मिला के फिर अभी 10 से 15 मिनट तेज फ्लेम में थोड़ा सा भूनेंगे इसको। तो भून लेते पहले, देख लीजिए दोस्तों मेरा चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है, ये पूरा लाल लाल हो चुका है। हम लोग पूरा इसको बना लिए ड्राई और पूरा एकदम ड्राई खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है, पूरा एकदम ड्राई ड्राई हो चुका है। तो चलिए तो खाने बैठते हैं। मेरा खिचड़ी आ गया है थाली पे, तो बैंगन भाजी है, मेरा चिकन है और आज खिचड़ी के साथ चिकन और बैंगन भाजी बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, तो खा के देखते हैं कैसा हुआ है। मसाला वसाला एकदम बहुत दिन बाद खा रहे हैं और बना भी अच्छा से है, हम मोटा चाल का बना रहे हैं। इसके साथ थोड़ा सा चिकन, तो दोस्तों पहले खा लेते हैं। तो चलिए का को लेके अब कराटे स्कूल आ गया है, तो वो कराटे सीख रही है, तो देखिए। तो आज रात का हम लोगों का जो डिनर है, तो आज ठंडा ठंडा मौसम है, तो देखिए थे कि दोपहर को हम लोग खिचड़ी चिकन ये सब खाए थे, तो आज रात का हम लोगों का जो डिनर बन रहा है वो कड़ी बन रहा है। तो कड़ी का जो पकोड़ा वो हम लोग अभी घर में ही बना रहे हैं, बाहर से नहीं लेके आते हैं, क्योंकि वो बाहर का जो होता है ना वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो कड़ी का जो पकोड़ा का जो मिक्सचर है वो यही है, अच्छे से इस पकोड़ों को बना लेते हैं। खाना आ चुका है, तो जस की बोले थे आज कड़ी हुआ है, तो देख लीजिए ये कड़ी घर में बनाया बड़ा, आप लोगों को दिखाए थे। तो कड़ी और यहाँ अदरक और मिर्चा का एक हम लोग का अचार है और एक मिठाई ले लिया, तो बस इसको खाते हैं फिर। और आज दोपहर का थोड़ा सा हेवी खाना हो गया था, तो इसी कारण आज लोग हम लोग रात को हल्का फुल्का ही खाएंगे। कड़ी एकदम मस्त बना है। और मिर्चा थोड़ा सा, जैसे कि बोले थे जो मिर्चा लाए थे बाजार से, एक आध तो इतना तीखा हो जा रहा है कि बोल नहीं पा रहे। तो खा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं।
दोस्तों हम लोगों का खाना पीना तो हो गया है, हम लोग बिस्तर में आ चुके हैं, तो देख ही पा रहे हो आज हम लोग कंबल ले लिए हैं, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है बोल के, तो ऋषि का भी सोने चल जाएगी, उसका कल सुबह स्कूल है, 6:30 बजे उठना है। तो हम लोग आज के लिए ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टिल देन बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों। ओके गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट, चलिए।